वेलकम बैक गाइज टू आर चैनल द पहाड़ी बंजारा। गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग इन सर्च ऑफ मॉरल मशरूम्स। हम गुच्छी ढूंढने जा रहे हैं। सो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ और हम शुरू करते हैं अपनी ये जर्नी। हम मेरे घर से जो जंगल है वहाँ जा रहे हैं, तो एक ये एडवेंचर भी रहेगा। हाथ में मेरे भराड़ा है, एक्स का बोले तो छोटा भाई, तो बस चलते हैं। मेरे साथ लालू अंकल है, मेरे भैया है और मेरे पापा है। ये क्या है? अखरोट दाना। अखरोट दाना यहाँ देखो, छोटे छोटे अखरोट का पेड़ है। अखरोट के दाने आपने लगाया? आपने लगाया था? कब तक हो जाएगा बड़ा? 3-4 महीना। ओके, तो गाइस मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है गुच्छी ढूंढने, लेकिन भैया ने पहले भी आया है गुच्छी ढूंढने। आपको मिली थी भैया? हाँ पहले मिली है। कितना ऊपर जाना पड़ेगा? अभी काफ़ी जाना पड़ेगा ऊपर, एक रोड आता है उस रोड से थोड़ा ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर मिलने की उम्मीद है। काफ़ी लोग जाते हैं और सबको भी ये गुच्छी मिलती नहीं है। काफी फोकस करना पड़ता है, कई बार तो आंखों के सामने से लुप्त हो जाती है। हाँ? तो आप जान सकते हैं कि कितना मुश्किल है इसको खोजना। से इसे हमारे साथ गुच्छी एक्सपर्ट भी है लालू अंकल जी। आपको तो पहले भी मिला है ना? हाँ। चलो ठीक है, सो गाइस उम्मीद करते हैं कि गुच्छी मिल जाए। हम अपने घर से काफी पुरा चुके हैं, आप देख सकते हैं नीचे घर दिख रहा है। मौसम अभी साफ है तो उम्मीद है कि गुच्छी मिल जाए। गुच्छी फटती कब है? बेसिकली जैसे ठंड पड़ेगी, बारिश होगी, ठंड पड़ेगी बहुत सारी, उसके बाद जब एकदम धूप लगती है तो कहते हैं कि गुच्छी फिर निकलना शुरू कर जाती है, गुच्छी फट जाती है ज़मीन से। तो बस इसीलिए हम गुच्छी ढूंढने जा रहे हैं। मुनाल था ना? दोस्तों ये लास्ट पोर्शन है ऑर्चर्ड्स का, इसके बाद फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाएगा। यू कैन सी द वैली, पूरी लश ग्रीन, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और वो सामने पार नारकंडा की धार। भैया लाल अंकल वगैरह काफ़ी आगे चले गए हैं, उनको कैच करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा उनको, बिकॉज मेरे को जंगल का रास्ता नहीं पता। सो दोस्तों नाउ आई जस्ट नीड टू रन। सो फाइनली गाइस मैंने इनको पकड़ लिया। सो दोस्तों वो जो आप सामने देख रहे हो उसे कहते हैं हम तोली। ये पूरा ड्राई ग्रास है, इसको एक पोल पे स्टैक किया हुआ है। समर्स में हम ग्रीन ग्रास को काट के सुखाने को रख देते हैं और विंटर्स में फिर इस ड्राई ग्रास को हमने गाय वगैरह को देते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे ये काम होता है। एंड दोस्तों यू कैन सी द फॉरेस्ट। माय फादर सेड कि कभी ये एशिया का डेंसेस्ट फॉरेस्ट हुआ करता था, अब आई डोंट नो कि क्या होगा, बट यू कैन सी कि कितना ये रन करता है कहाँ से कहाँ तक। ये पूरा एरिया एंटायर फॉरेस्ट है। हमें वहाँ से आके को जाना है फॉरेस्ट एरिया में, आई होप कि गुच्छी मिल जाए। तब तक हम कंटिन्यू करते हैं अपना रन। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमको चलते हुए।
तो फाइनली जो जंगल का एरिया है वहाँ पहुँच चुके हैं एंड नाउ द हंट विल बिगन मॉरल मशरूम्स के लिए। तो बीच में पेड़ गिरा है, आप देख सकते हैं वुड स्टेप काव किया है ताकि हम यहाँ पे पाँव रख सके, और दूसरा पाँव यहाँ और सीधा नीचे। काफ़ी संकरा, इट इज़ अ वेरी थिन ट्रेल बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो भैया ने ढूंढना शुरू कर दिया है। भैया आपको आइडिया है कि किस जगह पे मिलते हैं ये? थोड़ा अभी तक एक भी नहीं मिला है बट उम्मीद है कि मिल जाएगा। अब आपको दिखाते हैं बचपन में क्या करते थे। कलम की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, तख्ती पे लिखते थे लोग, तो वही चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये वो पौधा है जिस पे कलम की जाती थी, कलम बनाई जाती थी। और आप इसमें देखा जाए इसको छिलते थे और इससे इस पौधे से कलम का प्रयोग करते थे, कलम लिखने के लिए करते थे। तो इससे कलम बनाई जाती थी। इससे कलम बनाई जाती थी। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लोग पहले ले जाते थे जब पेन का साधन नहीं था लोगों के पास। मुझे चीज़ें याद आती है जब हम भी गांव में आते थे तो शौक होता था, फिर हमारे लिए भी लेके आते थे, इससे कलम बनाते थे, फिर लिखा करते थे हम अपनी तख्ती पर। तो वो ज़माना चला गया तख्ती वाला, अब बॉल पेन और पार्कर का ज़माना है। पार्कर का ज़माना है, लेकिन ये उस टाइम बॉल पेन और उसका काम किया करते थे। भैया को बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के बारे में, गुच्छी ढूंढना, चेहू ढूंढना, कुछ ऐसे जंगल की चीज़ें, लिंगड़ वगैरह। तो अब मैं वो एक्सपीरियंस इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, वो एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ और आप लोगों को भी देना चाहता हूँ। सो गाइस, सब ने अपना अपना एरिया ढूंढ लिया है गुच्छी ढूंढने के लिए। ये मेरे भैया, ये पापा और वो लालू अंकल। सो आई होप सो कि ये गुच्छी मिल जाए। अम्ब्रेला मशरूम तो दिख गया, तो अगर ये यहाँ पर है तो गुच्छी भी यहाँ पे ज़रूर हो सकती है। आई ऑलमोस्ट ट्रिप्ड अभी, तो ध्यान से चढ़ना होगा और बिल्कुल केयरफुली वॉच करना होता है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ। यू हैव टू फाइंड द मॉरल मशरूम्स, जो ये गुच्छी है, पहचान होना बड़ा ज़रूरी है मॉरल मशरूम्स की। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब लालू अंकल को मिली थी वो थोड़ा हनी कॉम्ब टेक्सचर में होता है, नेटिव टेक्सचर। तो तभी आप उसको ढूंढ पाओगे आसानी से। वन आवर हो गया पूरा बट अभी तक कुछ नहीं मिला। सो नाउ वी आर चेंजिंग द लोकेशन, थोड़ा और अंदर जाएंगे फॉरेस्ट के। सो अभी तक तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है बट इसके लिए आई एम प्रिपेयर्ड, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये मिलते हैं, इट इज़ नॉट दैट ईजी टू फाइंड देम। सांस काफ़ी फूल रही है, काफ़ी जंगल में आ गए हैं। वी आर वॉकिंग फाइंडिंग द मॉरल मशरूम्स। सो आई विल कंटिन्यू सर्चिंग फॉर देम, आई होप सो कि मिल जाए। सो गाइज,
कहते कि जहाँ पे ये जो फर्न्स होती है, जहाँ पे ये घास होती है सूखी हुई, उसके आसपास प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी मिलने की। आई एम सर्चिंग बट कुछ नहीं मिल रहा। दिक्कत ये है कि घास बहुत ज़्यादा है एंड वो घास के नीचे दबी होगी, होगी भी कहीं पे, तो फिर वो अगर उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर वो स्किप हो जाएगी और फिर मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। सो गाइज, अब ये वाला एरिया बचा है, यहाँ पे देखता हूँ। नीचे तो सारा कवर कर लिया, आई होप सो यहाँ पे ज़रूर मिल जाए। सो फाइनली गाइज, गुच्छी मिल गई है। लाइक आफ्टर 2 आवर्स ऑफ स्ट्रगल मुझे पहली गुच्छी मिल गई। मैं पता भी नहीं सकता कि मैं कितना हैप्पी हूँ इसको देख के। अक्सर ये बंच में मिलती है, ग्रुप में मिलती है, तो ये यहीं पर होगी। ये दूसरी, मैं इसको तोड़ता हूँ और ये में से टूट गई है। काफ़ी सॉफ्ट होती है ये, इसको बहुत आराम से तोड़ना होता है। इस वाली को ढंग से तोड़ूंगा। ये देखिए तीसरी गुच्छी भी मिल गई। यहाँ पे एक काफ़ी आगे बड़ी थी, मैं दिखाता हूँ आपको गाइस। काफ़ी बहुत बड़ी गुच्छी है ये, एंड लुक एट दैट, कितनी ब्यूटीफुल है ये देखिए। हाँ रुको रुको, आया। सो गाइस, भैया ने मुझे बुलाया है, उन्हें और ज़्यादा गुच्छी मिली है। आप देख सकते हैं लालू अंकल वो भी ढूंढ रहे हैं, थोड़ी उनको भी मिल गई है नीचे। मैं सीधे भैया के पास जाता हूँ। आ रहा हूँ। सो गाइज, लाइक दिस इज़ द लास्ट लॉट। यहाँ पे और दो है, लेट मी जस्ट शो यू। ये देखिए गाइज, ये थोड़ी जो मुझे मिली है, थोड़ी भैया को, थोड़ी लालू अंकल को। सो नाउ वी कैन जस्ट गो बैक होम शांति से। नाउ वी आर हेडिंग बैक, घर की तरह वापस जा रहे हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, काफ़ी जल्दी बीत गया। इट हैज़ बीन अ टायरिंग डे। चलते हैं वापस आते हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड बैक जो हमारा एंड पॉइंट है ऑर्चर्ड का, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कैन सी आर होम, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल यहाँ से। सो गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। एंड पुरानी वीडियोज़ देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।